आप देख सकते रहेंगे, यह जो है कुवैत कंट्री और सालमिया सिटी है, सालमिया एरिया है। ऊपर से वीडियो लिया गया है, देख सकते रहें कितना अच्छा लग रहा है देखने में। गाड़ी का भी जो एक रूट से चल रहा है, एक लाइन से चल रहा है, ऐसा नहीं है इधर उधर क्रॉसिंग करके चले, बीच में चले एक्सीडेंट हो जाए। और क्लीन भी है यहाँ पर, देख सकते रहेंगे अभी बहुत सारे पेड़ वगैरह भी लग गए हैं, और इससे यहाँ का एनवायरनमेंट भी कुछ पहले से सुधार है। और ट्रैफिक तो यहाँ पर बहुत ही रहता है, गाड़ी तो यहाँ पर देख सकते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बाइक नहीं मिलेंगे, बाइक ना के बराबर वही लोग के पास है जो लोग डिलीवरी करते हैं सामान वगैरह, फूड वगैरह डिलीवरी करते हैं, उन लोग पास ही है जा। बाकी यहाँ पर सभी के पास आपको फोर व्हीलर कार ही मिलेंगे, क्योंकि रीज़न यही होता है यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी होता है, बाहर इतना ज़्यादा धूप होता है, कोई बाइक से चल नहीं पाएगा लेकर के, इसलिए यहाँ पर जो है बाइक जो है गवर्नमेंट भी कम ही अलाउ करती है, प्रिफरेंस देती है। और उससे भी बड़ा चीज़ ये बात है, यहाँ पर आपको जो पेट्रोल जो रहता है, पेट्रोल यहाँ पर सस्ता है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको पेट्रोल जो है सस्ता है, जिसे कोई भी नॉर्मल आदमी अफोर्ड कर सकता रहेगा। गाड़ी भी जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिल जाती है यहाँ पर, जो नॉर्मल अगर आप सेकेंड में लेना चाहेंगे तो आपको एकदम नॉर्मल प्राइस में बिल मिल जाएगा, कोई भी आप पर्सन जो अफोर्ड कर सकता रहेगा, है ना, कमाल का एक चीज़ दे सकते रहेंगे। और देख सकते हैं ट्रैफिक रूल वगैरह भी इस तरह से फॉलो कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, अपने यहाँ पर रहता है लोकल में जाता रहता है, बहुत से लोग इधर उधर भग जाते करते हैं, बट यहाँ पर जो है फॉलो करना ही पड़ेगा, प्रोसेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लगा रहता है ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है, कोई भी तरह से उल्लंघन करेगा या फिर क्रॉस करके इधर उधर जाएगा तो फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जो है कैप्चा कर लेगा, और ये कैप्चा जो है करके नंबर प्लेट रह करके ये ऑटोमेटिक इनके जो ड्राइवर रहेगा, गाड़ी जिसके नाम पर रहेगा उसके अकाउंट पर भेज दिया जाएगा, नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, उनका चालान कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो भी ड्राइवर रहते हैं केयरफुली वर्क करते हैं और केयरफुली गाड़ी चलाते हैं। बाकी जैसे रहेंगे ऊपर से देखने को भी कितना अच्छा लग रहा है, रोड भी किस तरह दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है, यहाँ से दो ए साइड से दो दिया हुआ है, उधर से दो दिया हुआ, उधर से दो दिया हुआ है। ये जो है क्रॉसिंग जो है फोर वे का है, मेन एक जगह पर है सिटी का है, यहाँ से सभी एरिया को डिवाइड किया गया है, और चौड़ा भी रोड भी यहाँ पर चौड़ा दिया गया है, जिससे कोई भी पर्सन जो है आराम से जा सके देख सके। अलग अलग सेपरेट दिया हुआ, ऐसा भी नहीं है रोड पतला हुआ है और उसमें प्रॉब्लम हो सके देख सके, ओके। तो ये चीज़ें हैं इसमें देख सकते रहेंगे, और भीड़ भी ट्रैफिक है। बाकी अभी जब यहाँ से ट्रैफिक जब खुलेगा तो टाइम में देखेंगे किस तरह से यहाँ से गाड़ी एक एक करके वन बाय वन गाड़ी लेकर लोग निकलेंगे जाएंगे। बाकी जैसे ऊपर से देख सकते हैं यहाँ से क्रॉसिंग के लिए वन बाय वन ही जा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है जो मतलब भीड़ में रहे क्रॉस करके रहे, और एक्सीडेंट होने का भी चांसेस जो है कम रहता है इस रास्ते का रूट से चलेंगे तो। बाकी यहाँ पर भी एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि हाई स्पीड पर चलती है गाड़ी, यहाँ पर ज़्यादातर आपको हाई स्पीड पर ही गाड़ी चलती है, जिससे एक्सीडेंट भी रहते हैं लेकिन सेफ रहते हैं ना कम रहते हैं अदर कंट्री की अपेक्षा में। दूसरे जगह देखेंगे यहाँ पर लोकल एरिया में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत से ज़्यादा है, जो बाइक रहता है बाइक से दो दो क्रॉस कर लेते हैं, गाड़ी के क्रॉस कर लेते हैं, रॉन्ग साइड से चलते हैं, उस समय प्रॉब्लम हो जाता है, बट यहाँ पर जो है रॉन्ग जाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो रॉन्ग साइड से कोई घुसा सकेगा देख सकेगा। यहाँ पर जो भी है सबको सिंबल वन बाई वन जो रूट है उसी रूट से जाना पड़ेगा देख सकते हैं, यहाँ पर सभी का सिंबल दिया हुआ है, लाइन क्लियर देकर दिया है, उधर जाने और उधर जाएंगे सीधा आ जाएंगे, देखने को भी कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर से व्यू देख रहे हैं जिसमें भी कितना अच्छा लग रहा है, सीन देख रहे हैं और भी देख सकते रहेंगे, बहुत सी चीज़ें रहते हैं इस तरह से वन बाई वन जानेंगे देखेंगे। अगर आप कोई कंट्री में आना चाहते हैं या फिर सिटी का व्यू देखना चाहते हैं आने से पहले ही, यहाँ का किस तरह से एनवायरनमेंट है, किस तरह से कंट्री है और अच्छा है ख़राब है, ये सब के बारे में जाना देखना चाहते हैं तो जुड़ रहे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो और भी पास शेयर करें। जो लोग विदेश में आना चाहते हैं, विदेश का वीडियो देखना चाहते हैं, विदेश कंट्री में जाता है गल्फ कंट्री किस तरह से रहता है, वहाँ का कल्चर कैसा रहता है, एनवायरनमेंट कैसा है और जो भी वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये सब के बारे में जानने देखने के लिए जुड़े रहें चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फीडबैक दीजिए क्या चीज़ आपको इसमें अच्छा लगा और क्या चीज़ के बारे में और जानना देना चाहेंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।